नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मध्य प्रदेश के भोपाल में भाजपा ने अर्थव्यवस्था को चौपट कर दी, कमलेश्वर पटेल ने कहा। भाजपा ने देश व प्रदेश में अर्थव्यवस्था को चौपट कर महंगाई एवं बेरोजगारी को बढ़ाया। रसोई गैस, डीजल, पेट्रोल, खाद्य सामग्री, दवाइयां एवं आवश्यक सामग्रियों की कीमतों में अत्यधिक वृद्धि कर नौजवानों को बेरोजगार करने का काम किया। ये बात क्षेत्रीय विधायक व पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने आज बाहरी जिला सीधी में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित विशाल पैदल यात्रा कर जनसभा में कही। पटेल ने आगे कहा कि किसान को उसकी फसल का सही दाम नहीं मिल रहा, नौजवान को रोजगार नहीं मिल रहा एवं आमजन महंगाई से परेशान है। विधायक श्री पटेल ने आगे कहा कि प्रदेश में आपराधिक घटनाएं निरंतर बढ़ रही हैं। महिला अत्याचार, बलात्कार, हत्या, अपहरण के अपराधों में प्रदेश अव्वल स्थान पर है। माफिया राज हावी है। भूमाफिया, खनिज माफिया, दवाई माफिया, गुंडा माफिया सरकार के संरक्षण में चल रहा है। पूर्व मंत्री पटेल ने जनसभा में कहा कि प्रदेश के विद्युत विभाग में हिटलरशाही चल रही है। बिजली के तार में करंट के स्थान पर विद्युत के बिल से करंट लग रहा है। जिन घरों में बिजली के कनेक्शन नहीं है वहां भी बिजली के बिल दिए जा रहे हैं। खराब ट्रांसफार्मर महीनों से जले हुए हैं किंतु उन्हें बदला नहीं जा रहा है। संवाददाता दीपक भरती की रिपोर्ट। सोनिया गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, कमलेश्वर पटेल जिंदाबाद, कमलेश्वर पटेल जिंदाबाद, भाजपा शासन हो भाजपा शासन हो भाजपा सरकार हो नरेंद्र मोदी हो नरेंद्र मोदी हो कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। अभी तो ये लंगड़ाई है, अभी तो ये लंगड़ाई है।